नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HDFC बैंक के Q3 के अपडेट्स के बारे में, और इसे देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार बैंक के नतीजे जो है वो किस तरीके के आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें HDFC बैंक के क्वार्टरली अपडेट्स के बारे में, तो यहाँ पे एडवांसेस के नंबर आपके सामने हैं। इस बार जो आंकड़ा आता हुआ दिखाई दे रहा है, 15,070 बिलियन रुपीस का आंकड़ा जो है इस बार December 31, 2022 तक का आता हुआ दिख रहा है Q3 का, जो कि ऑलमोस्ट 19.5% की बढ़त देखने मिल रही है आपको साल दर साल बेसिस पे। लास्ट ईयर ये आंकड़ा लगभग 12,609 बिलियन रुपीज का था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक शानदार बढ़त जो है वो आपको देखने मिल रही है। 20% के आसपास तक की जो है एडवांसेस में ग्रोथ आती हुई दिख रही है। वहीं अगर हम बात करें सितंबर क्वार्टर से, तो यहाँ पे 14,799 बिलियन रुपीस का आंकड़ा था पिछले Q2 का, तो वहां से ऑलमोस्ट 1.8% की बढ़त आती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं बैंक के लिए एक अच्छा नंबर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। डिपॉजिट की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो डिपॉजिट से पहले एक बार और देख लेते हैं रिटेल लोन ग्रोथ किस तरीके से बढ़ती हुई दिख रही है। तो डोमेस्टिक रिटेल लोन ग्रोथ जो है ऑलमोस्ट 21% बढ़ती हुई दिखाई दी है इस साल पे, वहीं अराउंड 5% बढ़ती हुई दिख रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। वहीं कमर्शियल एंड रूरल बैंकिंग लोन्स की अगर हम बात करें, तो साल दर साल यहाँ पे 30% की जो बढ़त है वो आपको देखने को मिल रही है, और 5% की जो बढ़त है वो आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखने को मिल रही है। वहीं पे अगर कॉर्पोरेट और होलसेल लोन ग्रोथ की बात करें, तो ऑलमोस्ट 20% की दर से ये बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, जो कि 1% लोअर है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर आप यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो। लेकिन डिपॉजिट के बेस पे अगर हम यहाँ पे बात करें, तो टोटल डिपॉजिट जो बैंक के पास December 31, 2022 तक आते हुए दिख रहे हैं, वो है लगभग 17,335 बिलियन रुपीस का। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे भी 20% तक की जो बढ़त है वो आपको साल दर साल बेसिस पे देखने मिल रही है। पिछले साल ये आंकड़ा ऑलमोस्ट 14,459 बिलियन रुपीस का था, तो वहां से 20% की बढ़त जो है। तो कहीं ना कहीं हम बात करें, तो डिपॉजिट और लोन दोनों ही 20% की दर से सालाना बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम क्वार्टरली बेसिस पे अगर हम बात करें, तो 3.6% की बढ़त जो है वो आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे होती दिख रही है। पिछले क्वार्टर में आंकड़ा 16,734 बिलियन रुपीज का होता हुआ दिखाई देता। रिटेल डिपॉजिट जो है वो 670 बिलियन रुपीज से बढ़ता हुआ दिखाई दिया इस क्वार्टर में, और जो ग्रोथ है 21.5% की साल दर साल यहाँ पे देखने को मिल रही है, और 5% की जो ग्रोथ है वो आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखने मिल रही है। और होलसेल डिपॉजिट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 11.5% की दर से साल दर साल बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम देखें तो 2.5% यहाँ पे लोअर होता हुआ दिखाई दे रहा है। कासा डिपॉजिट की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो कासा डिपॉजिट का भी जो नंबर आता हुआ दिख रहा है वो आ रहा है 7,630 बिलियन रुपीज का December 31, 2022 तक का। अराउंड 12% की ग्रोथ आते हुए दिखाई दे रही है यहाँ पे। पिछले क्वार्टर में, पिछले साल के सेम क्वार्टर में आंकड़ा 6,812 बिलियन का था। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं, तो 0.4% की बढ़त आती हुई दिखाई दे रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। 7,597 बिलियन रुपीस का आंकड़ा जो था वो कहीं ना कहीं पिछले Q2 September में आपको देखने को मिला था। वहीं रिटेल कासा जो है वो ग्रो होता हुआ दिख रहा है ऑलमोस्ट 14.4% से ओवर द ईयर ऑन ईयर क्वार्टर से अगर आप देख रहे हैं तो कंपेयर में, और 1.4% साल क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको ये बढ़ता हुआ दिख रहा है। बैंक का कासा रेशियो जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 44% के आसपास बना हुआ है, आपके पास देख सकते हैं साल दर साल, जो कि पिछले साल ऑलमोस्ट 47.1% था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 3% के आसपास की गिरावट जो है साल दर साल कासा रेशियो में देखने मिलती है। वहीं अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें 45.4 था, तो वहां से भी लगभग 1.5% के आसपास की गिरावट जो है वो देखने मिल रही है। साथ ही साथ अगर बात करें, ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडेड December 31, 2022 द बैंक परचेज लोन एग्रीमेंट ऑफ ऑलमोस्ट 88.92 बिलियन थ्रू द डायरेक्ट असाइनमेंट रूट अंडर द होम लोन एग्रीमेंट विद HDFC लिमिटेड। तो HDFC लिमिटेड से 88 बिलियन रुपीज के ऑलमोस्ट जो लोन है वो यहाँ पे बैंक ने परचेस किए हैं। तो कहीं ना कहीं जो नंबर है डिपॉजिट और लोन ग्रोथ खासकर यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त होती हुई दिख रही है। 20-20% की एवरेज से यहाँ पे जो है साल दर साल बढ़ती हुई दिख रही है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव नंबर है। बात करें अगर कासा रेशियो की, तो वो थोड़ा यहाँ पे आपको गिरता हुआ डेफिनेटली थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, तो वो एक कंसर्न होगा, लेकिन उतना बहुत बड़ा कंसर्न यहाँ पे इस चीज का नहीं आएगा। और कहीं ना कहीं जो बैंक के जो नतीजे हैं वो अच्छे आने की उम्मीद यहाँ पे फिर से आप मान के चल सकते हैं। लेकिन अगर स्टॉक प्राइस के हिसाब से देखें, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ आवरली चार्ट पे देख रहे हैं, पिछले 2-3 महीनों से स्टॉक एक रेंज में बना हुआ है। ऊपर की तरफ अगर आप देख रहे हैं, तो 1642 रुपए की रेंज बनी हुई है, और नीचे की तरफ अगर आप देख रहे हैं, तो 1590
₹50 की रेंज में ये मोटा मोटी स्टॉक जो है कामकाज कर रहा है। यहाँ पे अगर कुछ दिन को अगर हम निकाल दें 1-2 दिन, तो इसने एक ₹1660, ₹1665 तक का एक ब्रेकआउट दिया था, वो सस्टेन नहीं हुआ था, लेकिन उसी रेंज में बना हुआ है। आज भी अगर आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं 1640 1645 की रेंज से ही कहीं ना कहीं स्टॉक फिर से रिवर्सल लेके थोड़ा कमजोर होता हुआ दिखाई दिया। अपडेट्स के बाद यहाँ पे थोड़ी गिरावट जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 1640 1650 पहला हर्डल, अगर इसके ऊपर स्टॉक जाके क्लोज होता है तो फिर कहीं ना कहीं एक बार 1660 70 तक स्टॉक जा सकता है, और अगर वो लेवल निकलता है तो फिर कहीं ना कहीं अपने पुराने लाइफ हाइस जो कि ₹1725 के आसपास के वो वहां तक जाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर ये स्टॉक नीचे की तरफ कोई वीकनेस आती है बैंक निफ्टी या मार्केट्स में, तो अगर 1590 का लेवल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल टाइम जो सपोर्ट है वो 1590 1585 के लेवल पे इस स्टॉक ने लिया है और वहाँ से एक रिवर्सल दिया है। तो अगर वो लेवल नीचे की तरफ तोड़ता है तो फिर कहीं ना कहीं आपको इस स्टॉक में एक बार ₹1530 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं, और ये वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे जहाँ पे इस स्टॉक ने एक गैप छोड़ के रखा है चार्ट पे। ये गैप वो है जो आपको मिला था 11 नवंबर के दिन, जब यहाँ पे इस स्टॉक में एक बड़ा अनाउंसमेंट होता हुआ दिखाई दिया था, उसके बाद एक बड़ी गैप अप ओपनिंग जो थी वो होती हुई दिखाई दी थी, एक अच्छी खासी तेजी जो थी वो बनी थी इस स्टॉक में। उसके बाद से कहने की स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ है, ज़्यादा बड़ा कोई मूवमेंट दोनों साइड नहीं देखने मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग है स्टॉक, यहाँ पे डेफिनेटली अगर नीचे आता है तो बाय एंड डिप्स का एक अच्छा मौका होगा। लॉन्ग टर्म में अगर कोई स्टॉक अपना पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहता है तो डेफिनेटली ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि ग्रोथ जिस तरीके की है वो बहुत ही शानदार है, और इसके जो Q3 के जो नतीजे आएंगे वो सैटरडे 14 जनवरी के दिन आने की संभावना है। सैटरडे के दिन है तो इसका जो रिएक्शन होगा वो सोमवार के दिन 16 जनवरी के दिन देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये थी वो सारी क्वार्टरली अपडेट जो कि यहाँ पे आपके लिए मैं लेके आया था, और भी अन्य टाइप की कोई भी न्यूज होगी तो मैं आपको लाने की कोशिश जरूर करूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।